योगी सरकार ने यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। ये परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने की खबर से हड़कंप मच गया था और यूपी सरकार ने एग्जाम को रद्द कर दिया। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब यूपी में पेपर लीक हुआ हो और एग्जाम रद्द कर दिया गया हो। इससे पहले 2021 में उत्तर प्रदेश सब कोऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UPSSC ने 3 पेपर रद्द कर दिए थे, यानी कि उत्तर प्रदेश में 3 साल के भीतर 4 पेपर रद्द हो गए हैं। UPSSC ने 2018 में आयोजित हुए ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक के एग्जाम में धांधली की शिकायत सही पाए जाने के बाद पेपर कैंसिल करने का फैसला किया था। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि यूपी में हाल ही में कौन कौन से बड़े एग्जाम हुए, कौन कौन से पेपर लीक हुए, कितने एग्जाम प्रस्तावित हुए, कितने पदों पर बहाली निकली, कितने लोगों ने फॉर्म भरे और फॉर्म की कीमत से कितने करोड़ आए हैं। तो सबसे पहले सरकारी नौकरी क्यों रहती है डिमांड में, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकारी नौकरी का मतलब है भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त करना। सरकारी नौकरी में वेतन सरकार निर्धारित करती है। यहाँ प्राइवेट नौकरी की तुलना में ज़्यादा सुरक्षा होती है। यहाँ एक रिटायरमेंट की तिथि होती है, इसके बाद पेंशन मिलती है, स्वास्थ्य बीमा, ग्रेजुएटरी और अन्य लाभ मिलते हैं। केंद्र सरकार की ओर से अलग अलग तरह की नौकरियाँ दी जाती है, जैसे कि IAS, IPS, IFS, IRS। राज्य सरकार की ओर से PCS, PPS, RPS जैसे बड़े पदों पर नौकरी दी जाती है। हालांकि सरकारी नौकरी की परीक्षाएं कठिन बहुत होती हैं और इसमें प्रतिस्पर्धा भी बहुत अलग होती है, वैकेंसी कम होती है और उम्मीदवार कई गुना ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार और पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द होना भी एक बड़ी समस्या है। अभी तक यूपी में कौन कौन से पेपर लीक हुए हैं? योगी सरकार पर बीते 5 सालों में आधा दर्जन से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक होने के आरोप लग रहे हैं। इनमें दारोगा भर्ती से लेकर SSC की परीक्षा तक के पेपर लीक होने का आरोप है। मार्च 2017 में योगी सरकार सत्ता में आई थी और 4 महीने बाद ही पहली बार पेपर लीक होने का मामला सामने आया। जुलाई 2017 इंस्पेक्टर भर्ती समीक्षा, फरवरी 2018 UPPSL पेपर लीक, ट्यूबवेल ड्राइवर टेस्ट लीक, सितंबर 2018 लखनऊ परीक्षा UPTET 2021, अगस्त 2021 में PIT परीक्षा का पेपर लीक हो गया, अगस्त 2021 कॉलेज प्रवेश परीक्षा पेपर लीक हुआ, 11 सितंबर 2021 नीट परीक्षा, 12 फरवरी 2024 RO AR पेपर लीक। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अपनी ही पार्टी पर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आरोप लगाए थे, जिनमें से वरुण गांधी एक ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा दिए थे। भारत 15 से 20 के आयु वर्ग में 25.4 करोड़ युवा आबादी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। इसमें सबसे ज्यादा युवा आबादी उत्तर प्रदेश में है। यूपी में हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा में भाग लेते हैं। हालांकि सरकारी नौकरी कुछ लाख युवाओं को ही मिल पाती है। कैसे मिलते हैं सरकारी नौकरी, योग्यता क्या होनी चाहिए? सरकारी नौकरी के लिए कम से कम 18 साल अधिकतम 40 साल की उम्र होनी चाहिए। तमाम सरकारी विभागों या आयोगों में अलग अलग पदों पर नौकरी के लिए लगभग हर साल विज्ञापन जारी होते हैं। वैकेंसी के मुताबिक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन पत्र भरना होता है, आवेदन शुल्क का भुगतान करना होता है। ज़्यादातर सरकारी नौकरियों के लिए लिखित परीक्षा पास करनी होती है। कुछ पदों के लिए शारीरिक परीक्षा या इंटरव्यू भी आयोजित किए जाते हैं। परीक्षा और अन्य चरणों में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट भी तैयार की जाती है। मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, इसके बाद अंतिम चयन किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूपी में कितने युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि 6 साल में करीब 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यानी कि हर साल लगभग 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। ये आंकड़ा साल 2017 से अप्रैल 2023 तक का है। यहाँ कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ हैं। 29 अगस्त 2022 573 जूनियर इंजीनियर्स की संविदा पर नियुक्ति, 30 सितंबर 2022 को 332 आबकारी आरक्षियों को नियुक्ति पत्र किए गए, 4 अक्टूबर 2022 को 109 महिला आबकारी आरक्षियों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे, 20 नवंबर 2022 को 1354 स्टाफ नर्सों को लोक सेवा आयोग के तहत नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, 16 दिसंबर 2022 की बात है जब 431 वरिष्ठ प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे, 18 दिसंबर 2022 को 1395 प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को नियुक्त किया गया था, 26 फरवरी 2023 को 9055 उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर PAC और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी को नियुक्ति पत्र दिए गए थे, 17 मार्च 2023 को 496 लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे, 5 अप्रैल 2023 को 795 चिकित्सा अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, अधिशासी अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक उद्यान निरीक्षक वर्ग 3, अपर जिला सूचना अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। यूपी में कितने पदों पर निकली सरकारी नौकरी? उत्तर प्रदेश अन्य सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी
SSSC। देखिए, हर साल उत्तर प्रदेश बाल सेवा और पुष्टाहार विभाग की ओर से आंगनबाड़ी के लिए अलग पदों पर भी भर्तियां निकाली जाती है। लगभग 53,000 पदों के लिए भर्ती होगी, जो अब तक की सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है कि सरकारी विभाग में नौकरी के लिए सबसे ज्यादा डिमांड है। देखिए, यूपी में सरकारी नौकरी की सबसे ज्यादा डिमांड पुलिस विभाग में है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, जब पिछले साल यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां निकली थी तो कुल 60,244 पदों पर वैकेंसी निकली, जिसके लिए 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, यानी कि एक सीट पर 80 उम्मीदवार। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रतिनिधि बोर्ड ने हाल ही में 3,000 से ज्यादा पदों पर सीधी भर्तियां निकाली थी। भर्तियां कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्राम ग्रेड, पुलिस उपनिरीक्षक, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक जैसे अलग अलग पदों पर थी। सभी पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2024 थी। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में भर्तियां तो निकलती हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा आवेदनकर्ता होते हैं। अब सवाल ये है कि बार बार पेपर लीक क्यों होता है और आखिर पेपर रद्द क्यों करना पड़ता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के बारे में क्या सोचते हैं।